हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल का एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इसके पहले के 8-9 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके ऐसे करके वहां देख लीजिए, या गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता चुका था कि सौरमंडल में मैं एक सूर्य को लिया था टॉपिक और इसके सभी चीजों के बारे में बता दिया था। इसके आंतरिक परत के बारे में बता दिया था, जिसको कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, यानी कि कोर, विकिरण मंडल, संवहन मंडल। फिर इसके बाद इसके सूर्य के बाहरी परत को भी बता दिया था, किसको कोरोना कहते हैं, किसको प्रकाश मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, ठीक है, इसके बारे में टोटल मैंने बता दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल में मैंने सूर्य का एक पार्ट लिया था, फिर आगे सूर्य के जितने भी ग्रह हैं, दो दो ग्रहों को उठाएंगे। जैसे पहले नंबर पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके दो दो ग्रहों को लेंगे। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पहले नंबर का ग्रह बुध और शुक्र, आज सिर्फ दो ही ग्रहों के विषय में हमने लिया है, आगे हम फिर पढ़ाएंगे पृथ्वी और मंगल ग्रह के विषय में। समझ में आ गया? तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक विश्व भूगोल का, सौरमंडल का ये वीडियो। चलिए यहाँ पे दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारे सोलर सिस्टम का, बुध और शुक्र ग्रह यानी दो ही ग्रहों के विषय में हमको पढ़ना है, एक बुध ग्रह के विषय में और दूसरा जो है शुक्र ग्रह के विषय में। फिर इसके आगे हम लोग दो दो ग्रहों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं बुध ग्रह को। देखिए बुध ग्रह को पहले समझते हैं कि बुध ग्रह ये जो है सूर्य से पहले नंबर का ग्रह है, यानी कि दूरी के अनुसार और क्रम के अनुसार सूर्य से पहले नंबर का ग्रह है बुध ग्रह, ठीक है। तो बुध ग्रह का ये जो लाइन मैंने खींचा है ऐसे करके, इस पथ को कहते हैं दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार पथ, ठीक है। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ। ऐसे ही सभी ग्रह एक निश्चित पथ पे क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रदक्षिणा पूछेगा कि बुध ग्रह का प्रदक्षिणा, या पूछेगा परिभ्रमण, या पूछेगा वार्षिक गति, ठीक है। तो आप तीनों का मतलब एक समझिएगा कि प्रदक्षिणा पूछ दे, भ्रमण गति पूछ दे, वार्षिक गति पूछ दे, तो इसका मतलब एक ही है कि बुध ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर जब सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेती है, मान लीजिए यहां से बुध ग्रह चलना शुरू किया और ऐसे घूमते घूमते एक चक्कर यहाँ पे आके पूरा कर लिया, यानी सूर्य की जो परिक्रमा ग्रह बुध कर रहा है उसको प्रदक्षिणा गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो पथ है बुध का, ये लगभग 88 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कौन करता है बाबू? तो बुध ग्रह करेगा। देखो ये सबसे नजदीक है तो जल्दी ही घूम लेगा। मान लो यहाँ पे आपका वरुण ग्रह है तो ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तब ना आएगा घूमेगा, लेकिन ये नजदीक है इसलिए जल्दी से क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में। यहाँ का टेम्परेचर तापमान पूछ रहा है, तापमान बाबू 390 डिग्री सेल्सियस होता है, और दूसरा रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सौरमंडल में सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह कौन सा? तापांतर मतलब ताप में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता हो, दिन का टेम्परेचर हाई हो जाता हो, रात का एकदम लो हो जाता हो, तो वह ग्रह है बुध ग्रह। क्यों होता है? इसका रीजन है बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल का अभाव होने के कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की कमी है, कमी मतलब है ही नहीं है। और CO2 जो गैस होता है, यानी जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है CO2, वह क्या करता है कि एक औसत यानी जितना एवरेज चाहिए अगर उतना है, उससे अधिक हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगा, और उससे कम हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एवरेज मान लें कि यहाँ पे 25% एवरेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है, एक मान लीजिए कि इतना होगा तो ठीक रहेगा, अगर इससे अधिक हो गया या इससे कम हो गया तो दोनों टाइप से दिक्कत हो जाता है। क्यों? अगर CO2 गैस अपने औसत से अधिक हो गया तो यह सूर्य के प्रकाश को आने तो देगा लेकिन यहां से जाने नहीं देगा,
बात समझिएगा, बुध ग्रह पर CO2 गैस अपने मात्रा से अधिक हो गया तो सूर्य के प्रकाश को आने तो देगा लेकिन इस ग्रह से वायुमंडल से फिर वापस जाने नहीं देगा, जिससे यहाँ का ताप बढ़ जाता है। बात समझिए। दूसरा, अगर यह CO2 गैस औसत से कम हो गया, औसत से कम हो गया, तब यह सूर्य के प्रकाश को आने नहीं देगा, मतलब आएगा तो रोकेगा नहीं, वापस भेज देगा, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में हो जाएगा। इसीलिए बुध ग्रह पर CO2 गैस न होने के कारण यहाँ दिन में सूर्य के बहुत नजदीक है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। रात में चूंकि यहाँ CO2 गैस नहीं है इसलिए सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं पाता, इसलिए रात का टेम्परेचर कितना हो जाता है, -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझिएगा, दिन में वैसे खौल के मर जाइएगा, रात को ठंडा के मर जाइएगा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा वह सौर मंडल का ग्रह है जिसका तापांतर सबसे अधिक है, तो वह आपका है बुध ग्रह। चलिए अगला कर रहा है कक्षीय गति। ये देखो कक्षीय गति क्या होता है, मतलब अपने कक्षीय गति में कक्षा, अपने कक्षा में जो गति है वह कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो देखो कक्षीय गति इसका है 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 48 किलोमीटर यह गति करती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब पृथ्वी का 18वां भाग है ये, यानी पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका 18वां भाग। तो पूछेगा कि पृथ्वी की तुलना में बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना है, 1/18 है। समझ में आ गया। अगला कह रहा है उपसौर, उपसौर का दूरी पूछ रहा है और अपसौर का पूछ रहा है। अपसौर उसे कहेंगे जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर हो और उपसौर कहेंगे जब वह सबसे नजदीक हो। देखो यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इसको सूर्य बना दें और इसको हम बुध बना दें तो देखो सूर्य के चारों तरफ ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ पे परिक्रमा करेगा, तो जब यहाँ बुध होगा और सूर्य से यहाँ दूरी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो अधिक पूछेगा तो उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, तो ये स्थिति अपसौर कहलाता है। ये 70 मिलियन किलोमीटर है, 70 मिलियन किलोमीटर है। बात समझ में आ, 70 मिलियन का मतलब समझ लीजिएगा कि ये 70 लिख के एम के जगह 0 लगा दीजिए और यहाँ लाख लिख दीजिए, यानी 700 लाख किलोमीटर है। ठीक, उपसौर जब यह सूर्य के नजदीक की स्थिति होगी, मान लीजिए यहां चलते चलते गया और यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या स्थिति हो जाएगी, नजदीक हो जाएगा, तो यहाँ का 46 मिलियन टेम्परेचर किलोमीटर है। ठीक, यानी 46 का मतलब हो गया 4 6 0 लगा के लाख लिख दीजिए, यानी 460 लाख किलोमीटर है। समझ में आ गया। इसके बाद व्यास पूछ रहा है, यानी कि अगर बुध ग्रह है तो इसका व्यास कितना है, तो 4880 किलोमीटर है, 4880 किलोमीटर है। अक्षीय अवध, देखो अक्षीय अवध मतलब ये अपने मतलब अक्ष पे कितने देर में घूमती है, तो 58.65 दिन में, यानी 58 दिन लगता है इसको अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में। बात समझ में आ गया। इसके बाद कुछ और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बुध ग्रह पे एकदम मतलब बुध ग्रह चंद्रमा के सतह के जैसा है, यहाँ पे भी पर्वत पाया जाता है, क्रेटर झील पाया जाता है। क्रेटर झील समझते, ज्वालामुखी उद्गार से जो जगह खाली हो जाता है, जो मृत ज्वालामुखी होता है वहां पे क्रेटर झील बन जाता है, तो क्रेटर झील पाया जाता है जिसमें एक क्रेटर झील है कुइपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कुइपर। इसका व्यास 41 किलोमीटर है, मतलब एक झील है जिसका व्यास कितना है, 41 किलोमीटर है। ठीक है, यह चंद्रमा के जैसा दिखता है सतह इसका। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, बुध पारगमन किसे कहते हैं। यह जो है जैसे मान लीजिए बुध है, यहाँ पे घूमते घूमते आ गया, और इधर शुक्र है यहाँ घूमते घूमते आ गया, इधर पृथ्वी है कभी यहाँ घूमते आ गया, तो एक सीधी रेखा पे जब हो जाएंगे तो ये जो बीच में बुध आ जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं बुध पारगमन। ठीक है, यह 100 वर्षों में 13 बार दिखाई देता है, 100 वर्ष में 13 बार दिखाई देता है। 2003 में दिखा था, 2016 में दिखा था, इसके आगे भी दिखेगा। ठीक है, अब समझते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को समझो तो इसका जो है प्रदक्षिणा या परिभ्रमण गति या वार्षिक गति 225 दिन का होता है। कितने दिन का, 225 दिन का होता है। यही गति जो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सूर्य का परिक्रमा करते हैं उसको प्रदक्षिणा, भ्रमण गति,
परिभ्रमण गति, वार्षिक गति कितने दिन का होता है? 225 दिन का होता है। इसकी घूर्णन गति, घूर्णन गति मतलब अपने अक्ष पे जो घूमती है, या 250 दिन लगता है। यानी जो शुक्र ग्रह है ये अपने अक्ष पे घूमता है, कैसे 250 दिन लगता है। 40 का कितना है बाबू? 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। घूर्णन गति का जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। इसका द्रव्यमान एकदम सेम टू सेम पृथ्वी के समान ही है, यानी जितना आकार शुक्र ग्रह का है लगभग उसी के आकार में पृथ्वी ग्रह, इसीलिए इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन ट्वाइन प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह, 470 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका है, अभी बता रहे हैं उसके बारे में, सबसे चमकीला ग्रह पूछ दे, प्यारे एवं सुंदरता की देवी पूछ दे, सौंदर्य का देवता पूछ दे, गॉडेस ऑफ द ब्यूटी एंड लव, प्रेशर कुकर की दशा पूछ ले, यानी प्रेशर कुकर कंडीशन कह दे, यानी कौन सा ग्रह है जो प्रेशर कुकर कंडीशन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह। अभी सब के बारे में बता रहे हैं। सुबह का तारा, सुबह का तारा या शाम का तारा, तो देखो सुबह में सुबह का तारा या शाम का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुबह और शाम को जो शुक्र ग्रह है वो बहुत मतलब आकाश में दिखाई देता है, नंगी आंखों से देख लेते हैं, वो चमकता रहता है। सुबह के टाइम में वो पूरब दिशा की ओर चमकता है और शाम के टाइम में पश्चिम दिशा की ओर चमकता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ के वायुमंडल में बाबू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस 96% पाया जाता है, 3.4% नाइट्रोजन पाया जाता है, बाकी अन्य गैसें जो है बहुत कम मात्रा में है, आर्गन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नियान हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। सूर्य से औसत दूरी, यानी सूर्य से औसत दूरी जो है 108 मिलियन किलोमीटर है, यानी 108 लिख के जीरो बढ़ा दीजिए और लाख लिख दीजिए, यानी 1080 लाख किलोमीटर है, कौन? शुक्र ग्रह। अब समझते हैं टेम्परेचर के विषय में, इसको गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? जैसा कि अभी बुध के पास देखें वायुमंडल था ही नहीं, तो यहाँ पे दिन का टेम्परेचर अधिक हो जाता था, रात का टेम्परेचर कम हो जाता था, क्योंकि CO2 गैस अगर रहता है तो सूर्य के प्रकाश को रोक के रखता है, समझ में आया? तो है ही नहीं है, इसलिए दिन का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, रात का टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन इसकी अपेक्षा शुक्र ग्रह पर CO2 गैस जो है यह 96% है। बाप रे बाप, 96%, समझ रहे हो? मतलब ये सूर्य के प्रकाश को आने तो देगा, जाने का नाम ही नहीं देगा, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है 470 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 470 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है यहाँ, एकदम मतलब चमकता रहता है, इसीलिए इसको सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं, सौंदर्य का देवता कहते हैं, सौंदर्य की देवी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी की मौसी कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ ले कि रात की रानी किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को मत करिएगा, वो आपका चंद्रमा हो जाएगा, रात की रानी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका था बुध और शुक्र ग्रह। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह के विषय में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।